आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यरमिया की पुस्तक 50वां अध्याय वचन 33 से 46। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इसराइल और यहूदा दोनों बराबर पिसे हुए हैं और जितनों ने उनको बंधुआ किया वे उन्हें पकड़े रहते हैं और जाने नहीं देते। उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है, सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है। वह उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे, परंतु बेबीलोन के निवासियों को व्याकुल करे। यहोवा की यह वाणी है, कसदियों और बेबीलोन के हाकिम पंडित आदि सब निवासियों पर तलवार चलेगी, बड़ा बोल बोलने वालों पर तलवार चलेगी और वे मूर्ख बनेंगे। उसके शूरवीर पर भी तलवार चलेगी और वे विस्मित हो जाएंगे। उसके सवारों और रथियों पर और सब मिले जुले लोगों पर भी तलवार चलेगी और वे स्त्रियां बन जाएंगे। उसके भंडारों पर तलवार चलेगी और वे लुट जाएंगे। उसके जलाशयों पर सूखा पड़ेगा और वे सूख जाएंगे, क्योंकि वह खुदी हुई मूर्तों से भरा हुआ देश है और वे अपनी भयानक प्रतिमाओं पर बावले हैं। इसलिए निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर वहाँ बसेंगे और शुतुरमुर्ग उसमें वास करेंगे, और वह फिर सदा तक बसाया न जाएगा, न युग युग उसमें कोई वास कर सकेगा। यहोवा की यह वाणी है कि सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगरों की जैसी दशा उस समय हुई थी जब परमेश्वर ने उनको उलट दिया था, वैसी ही दशा बेबीलोन की भी होगी, यहाँ तक कि कोई मनुष्य उसमें न रह सकेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। सुनो, उत्तर दिशा से एक देश के लोग आते हैं और पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति और बहुत से राजा उठकर चढ़ाई करेंगे। वे धनुष और बर्छी पकड़े हुए हैं, वे क्रूर और निर्दय हैं। वे समुद्र के समान गरजेंगे और घोड़ों पर चढ़े हुए तुझ बेबीलोन की बेटी के विरुद्ध पाती बांधे हुए युद्ध करने वालों के समान आएंगे। उनका समाचार सुनते ही बेबीलोन के राजा के हाथ पांव ढीले पड़ गए और उसको जच्चा की सी पीड़ाएं उठी। सुनो, वह सिंह के समान आएगा जो यर्दन के आसपास के घने जंगल से निकलकर दृढ़ भेड़शाला पर चढ़े, परंतु मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा। तब जिसको मैं चुन लूं उसी कोण पर अधिकारी ठहराऊंगा। देखो, मेरे तुल्य कौन है, कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वह चरवाहा कहाँ है जो मेरा सामना कर सकेगा? इसलिए सुनो कि यहोवा ने बेबीलोन के विरुद्ध क्या युक्ति की है और कसदियों के देश के विरुद्ध कौन सी कल्पना की है। निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा, निश्चय वह उनकी चराइयों को भेड़ बकरियों से खाली कर देगा। बेबीलोन के लूट लिए जाने के शब्द से पृथ्वी कांप उठी है और उसकी चिल्लाहट जातियों में सुनाई पड़ती है।